कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, मज़े से होंगे और अब तक रमज़ान की तैयारियों में तो ज़रूर बिजी होंगे। और जनाब, इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि बाहर सनी डे तो है लेकिन साथ में बड़ी अच्छी हवा भी चल रही है। और सीन ये है कि अभी जो है पिछले एक हफ्ते पहले ना अच्छी खासी गर्मी वापस आ गई थी, तो हम लोग यही बोल रहे थे कि बहुत जल्दी सुबह मार्च में ही सीज़न चेंज हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि दो दिन से वापस अच्छी हवाएँ चलना शुरू हो गई हैं। और अब जैसे कि मैं सूरज इस वक्त खड़ी हूँ तो बुरा नहीं लग रहा, हालांकि अभी इस वक्त दोपहर के 3 बजे हैं लेकिन स्टिल अच्छा लग रहा है। तो बस अभी जनाब है फ्राइडे का दिन, जो कि अभी आपको पता छुट्टी नहीं होती, बच्चे स्कूल गए हुए थे सब था। और अब जो है हमारा आज का प्लान ये है कि अब शाम में हम जाने वाले हैं डॉल्फिन पार्क जाएंगे मम्मी अब के साथ। पहले आपने उसमें मेरा ब्लॉग देखा हुआ है, जब मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ आए थे हम उनके साथ भी गए थे, तो अब अम्मी अबू के साथ ही हमने सोचा था कि जाएंगे। कोशिश करूँगी कुछ क्लिप्स भी शेयर कर पाई तो वो भी करूँगी। तो बस अभी मैंने नीचे जाके सैंडविचेस बनाने हैं और साथ में चाय वाय बना कर तो हम लेकर जाएंगे वहाँ पे मैट बिछा कर, तो थोड़ा वेदर इन्जॉय कर लेंगे। तो ये थी बस अब तक की अपडेट, फिर बाकी देखते हैं क्या क्या चलता है। मौसम चेक करें और व्यू चेक करें, अब हम आ चुके हैं और व्यक्ति का सामान साथ लेके आए हैं। अम्मी और साथ पीछे बातें करते हुए आ रहे हैं, बच्चे स्टार्ट भी रुक गए थे वॉक खेलने के लिए, फ्रिस्बी और फुटबॉल लेकर आए थे अपनी, और साथ हम चाय के लिए अभी स्नैक्स वगैरह बना कर लेके आए हैं। सो लेट्स सी क्या रहता है, चलते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा फिट है, बड़ा मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो शुक्र है गर्मी आते आते वापस प्लेजेंट मौसम हो गया है, स्प्रिंग स्प्रिंग वाली। क्योंकि यहाँ पे बारबेक्यू करना अलाउड है तो मोस्टली पीपल अपना बारबेक्यू का सामान लेकर आए हैं, जो तो ऑफकोर्स मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन ये कि हम भी सोच रहे हैं कि कभी बारबेक्यू का सामान लेकर आएँ और यहाँ पे लाके बारबेक्यू करेंगे। कितनी अच्छी खुशबूएँ आ रही हैं और देख देख के दिल में चल रहा है। सो अच्छा ऑप्शन है ये, अब कैमरा फ्लिप किया, हाँ ये ऑन, ये देखिए ये कितना अच्छा है कि इन्होंने इस तरह से जगह भी बनाई हुई है पानी के साथ, ज़्यादा करीब जाके अगर आपने पिक्चर्स वगैरह लेनी है। ये सारा वॉकिंग ट्रैक है और आज मैं अपने फादर इन लॉ को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हम इस जगह पर, बल्कि फ़र्स्ट टाइम इस जगह पर उन्हीं के साथ आए थे, तो अब आज मुझे वो बहुत याद आ रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। लेकिन कुछ लॉस आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो मेरे ख्याल से आपको हमेशा मतलब रिकवरेबल नहीं होते, साथ बहुत याद आ रहे हैं। यहाँ पे जो है वो प्ले एरिया है जो बच्चों के लिए सारा राइड्स वगैरह, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी है, जो बात मुझे ज़्यादा अच्छी लगी कि इसलिए आप बच्चों की सेफ्टी की तरफ से इतने फ़िक्रमंद नहीं होते और खेलने के लिए। बाकी यहाँ पे आगे फुटबॉल कोर्ट भी है, तो देखते हैं मेरे अपने बच्चे किधर और क्या खेल रहे हैं। बास्केट लेके आओ, उसके ऊपर रखो ताकि जल्दी से वो चीज़ें उड़े नहीं। वो अब ये रेगुलर आने वाले हैं ना लोग, तो ये सारी चीज़ें ख़राब होंगे, राम राम से रखो। जो लोग रेगुलर लाने वाले तो उन्होंने तो अपनी टेबल कुर्सियाँ हर चीज़, हाँ स्ट्रेट रखना, स्ट्रेट रखो। अब्बू को पकड़ा दो, हाँ ना उन्होंने लेके रखा होता है ना, तो वो फिर प्रॉपर इंतज़ाम से आते हैं। लाए हैं घर से चाय, चाय तो ये है, सैंडविचेस, टी केक, हाँ जी मैं धुलाती हूँ आज, और बहुत सारे चिप्स बिस्किट, चिली मिली। और यहाँ पे जनाब फोटोग्राफी सेशन भी चल रहा है, फ़ोटोशूट हो रहा है, और ये सब आ चुके हैं सैंडविचेस खाने। जाओ जल्दी से लेके आओ, से भी जाओ, ऐसे ही चले जाओ शूज़ के बगैर जाओ। अब ये कभी भी नहीं जाएंगे, ये हमारा नखरेला बच्चा है और उनके शूज़ अभी मैंने ही उतरवाए हैं यहाँ मैट पे बैठने के लिए, तो अब इनको प्रॉब्लम हो रही है बहरा, लेकिन अम्मी के चक्कर में बेचारा चला गया। तो चले जी, अब हम करते चाय पीते, मगरिब भी हो गई, रात हो गई और पता ही नहीं चला। और जो है आज सहेब साहब जो है ना वो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि मामा अभी हम जाएँगे तो नहीं ना, और वरना अब तक हमारा आइडिया था कि हम चले जाएंगे मगरिब के फ़ौरन बाद, लेकिन आज चूँकि बच्चे इंजॉय कर रहे हैं तो फिर हमने भी सोचा कि चलो लेट देम प्ले, और आज इंजॉय कर ही रहे हैं। वरना जनरली ये होता है कि इन लोगों का पहले शुरू हो जाता है घर कब जाना है घर कब जाना है, पर आज शायद मौसम ऐसा है या घर आके इन्होंने थोड़ा सा नैप ले लिया था, मे बी इस वजह से फ्रेश हैं। और बस अभी आपको ये हवा चलती भी नज़र आ रही है फुल मज़े की, तो अब थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे, फिर आज तो खैर हम घर ही अब जाएंगे। घर में मुझे अभी जाके बिरयानी भी रेडी करनी है, मिक्सचर उसका हाफ़ में करके आई थी, साथ ही साथ उसका वो करके आई थी
चावल भी बॉईल कर दिए थे लेकिन अभी लेयरिंग वगैरह सब करनी है जाके, तो ये हो जाएगा हमारा डिनर। मुझे दिखाती हूँ रात के वक्त होता है, और ये देखिए लाइट्स वगैरह आपको ये नज़र आ रही है ना, ब्रिज और सारा। अब लाइट अप हो गया है, पानी का कलर भी चेंज हो गया है, इधर बारबेक्यू की फुल धुएँ उड़ रहे हैं, और ये कुछ बिल्डिंग्स भी हैं जो रात को और ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो बस जाते जाते मौसम को हमने सोचा ज़रा इंजॉय कर लें, और ये कार्ट्स हैं जहाँ पे आपको पिज्ज़ास और फ्राइज़ वगैरह भी मिल जाएंगे, और साथ ही दूसरी तरफ मेन रोड है इस तरह से जहाँ गाड़ी। नानी साहिबा भी आ गई हैं लाइन में, देखते हैं कितना खेलती हैं अब ये। जी कैसा लग रहा है मिस आपको आके पार्क में, ज़रा रिव्यू दें। बहुत मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं, मेंटली फ्री। और बच्चों के साथ कैसा लग रहा है? दुनिया की बेहतरीन लकी नानी। चले अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सैंडविच आपसे हमने बनवाए थे वो कैसे थे? चाय पीने का वाकई बहुत मज़ा आया, चाय का भी बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। हाइट टेस्ट होने लगा है क्योंकि सेबी साहब ने फ्रिस्बी वो ऊपर फेंक दिया, और उनको लग रहा है कि उनकी डॉर्फ मामा जो है ऊपर पहुँच सकेंगी और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो मैं या तो इसको ट्राई करती हूँ गोदी में उठा के, यही उतार ले तो उतार ले, बिकॉज मेरा हाथ तो नहीं जाने वाला ऊपर से। भी आपको मैं गोदी में लड़ाया है क्योंकि मेरी हाइट तो नहीं गई, तो अब ये चेयर उठा के लेके जा रहा है, हम वहाँ चेयर रखेंगे। और फिर हमने बाबा से रिक्वेस्ट किया कि वो चेयर के ऊपर खड़े होके देखें, पहले वो ऐसे ही ट्राई करेंगे, हो सकता है उनसे उतर जाए, मुझसे तो नहीं उतरी। ओ बाबा ने तो ऐसे ही उतार दी, नो नीड ऑफ चेयर, नो नीड ऑफ चेयर, थैंक यू बोलो। जी तो ये था हमारा एक इवनिंग वेल स्पेंट इन अ पार्क, और उसके बाद घर आके मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना ये सैलड बनाया, और बिरयानी का आधा काम मैं करके गई थी, मसाला तैयार करके गई थी, राइस बॉईल करके गई थी, फिर मैंने वापस आके जल्दी से उसकी लेयरिंग की है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे खिले खिले चावल बन गए थे। तो बस फिर जल्दी जल्दी आके अपनी बिरयानी प्रिपेयर की, और हमने फिर 10 बजे के करीब खाना खाया। ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कर दें अगर। व्हिच बुक आर यू रीडिंग? ओके स्टार्ट। It's a book full of mean things. Oh, okay, let's... Then, you know, one boy, there's a lot of mean things. Okay. Are you that one boy? No. Good. Just in a book. Okay, then read for us, please. Like, first it says, telling your sister she's ugly. Oh. That's mean. Yeah. And on the next page, spying on people. That is mean. And on this page it says blaming someone for something you did. Oh. Have you ever done this? No. Splashing your little sister's pretty new dress. Okay, that one is a super mean one. Yeah. There'll be another bad one which is terrible. Pulling wings off butterflies. That will be a terrible one. In fact, I can catch a butterfly. If you believe you can, then you will. Splashing your little sister. No, wait, I already read that. Throwing stones at the birds. That's terrible because you know the birds will die. And they don't give me another one. And this one is also disgusting. I can't really eat this. Well, I will. But it's very disgusting. You do not want to watch this video. Peeing on the flowers. Oh. This is disgusting. Yeah, you are right, sir. That's weird.